बाहर हो रही है बारिश। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या दैट दिस दिस दूस। कैसा लग रहा है कुछ ज्यादा तेज बोल दिया क्या मैंने? तो आज है हमारी ट्रेन और आज बहुत ही ज्यादा बिजी दिन होने वाला है। एक तो पता नहीं रात से शाम से मेरी ये लेफ्ट वाली ईयर में बहुत पेन हो रहा है और जब से राहुल ने रात में लिक्विड दिया वो ड्रॉप दिया है ईयर में इतना कान भारी भारी सा लग रहा है। इतना दूर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो रखा हुआ है, तो इससे दिमाग खराब हो रहा है। जाने से एक दिन पहले ही ये सब होना था और अभी बहुत यही कहते हैं लड़कियों की सच में पैकिंग ना एंड तक नहीं होती, बट यहाँ पे पन्ना उल्टा है। मेरी पैकिंग पहले हो चुकी है, पतिदेव की अभी तक नहीं हुई है। तो उनकी पैकिंग में लेट लग गई। अब उनका मैं खाना आधा पैक कर चुकी हूँ जो कि है चिकन राइस और मटर पनीर। अब बनाऊंगी रोटी, तवा मैंने इसी चढ़ा रखी है। तो काम करते हैं, आज बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि इतू सा रखते 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 भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो हमें संभल के रखना होगा। बाहर हो रही है बारिश, है ना बेटू? देखो कितना अच्छा मौसम हो चुका है। तो अभी हो रही है बारिश और ये नेट लग गया है क्योंकि मतलब पक्षी और सबकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो लैंडलॉर्ड ने लगवा दिया है। तो बस ऐसे ही बारिश होती रही एक दो दिन और बीच बीच में, जिससे कि मैं जाऊँ तो मेरे प्लांट्स ना सूखे, क्योंकि यार मुझे बॉल फेंकने की टक्कर में खुद ही गिर गई। जा बॉल लेके आ जल्दी से बाल के नीचे। इधर को इधर इधर। क्या शॉट मारी मैं देखी, डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। देखी मम्मा का शॉट, देखी क्या शॉट लगा, वहां टकराया फिर वहां टकरा के फिर वहां गया। वाह लाओ पानी वानी अच्छे से, बारिश वाला पानी पीते रहना, मस्त रहना, फिर मैं आऊंगी फिर ख्याल रखूंगी, तब तक खुद का ख्याल रखना ठीक है। इन लोगों को मैंने बहुत मेहनत से मंगवाया सच में। आसपास नर्सरी है बट बेटू को लेके ये सारी चीजें लेके आना बहुत इम्पॉसिबल वाली बात थी। मैंने गूगल पे कितने सारे नर्सरी के सर्च किए बट वो कोई भी घर पे डिलीवर नहीं कर रहे थे प्लांट। तो मैंने एक से कांटेक्ट किया तो वो भी घर पे डिलीवर नहीं कर रहे थे, बट मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की तो जाके चार पांच प्लांट्स घर पे आ पाए। तब ये सब बहुत छोटे थे, इत्तू से थे, और इत्तू से थे ये यहाँ तक आ गए हैं। ये अपराजिता का है प्लांट जिसमें ब्लू कलर के जो फ्लावर निकलते हैं, जिससे अपराजिता का है ये। देखिए मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सो चुकी है तो चलते हैं, अब बाकी का काम करते हैं। राहुल के जो प्रेस किए हुए कपड़े थे वो आ चुके हैं। ये हैं सारे उनके ऑफिस के फॉर्मल वेयर्स, इसको कबर्ड में रखते हैं। इसे मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई है क्योंकि बाहर जाने वाला मौसम है नहीं और अकेले मैं बेटू को लेके जा नहीं पक पाऊंगी। और जस्ट सोसाइटी के बाहर जो सब्जी के ठेले लगते हैं तो वो चीज़ें वो रखते नहीं, तो अब देखो हो सकता है ब्लिंकिट वाला आ ही रहा होगा, तब तक रायता बना के रख लेते हैं इस डब्बे में। खाना का प्रिपरेशन भी तो करना पड़ेगा ना, न्यूज़पेपर मैंने रख लिया है ट्रेन के। मैं कोशिश करती मैं यार ट्रेन का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, इतना फीका, इतना ज़्यादा ही फीका होता है ना,
हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आता होगा, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ घर से ही लेके जाऊँ, चाहे जो भी लेके जाऊँ बट घर से लेके जाऊँ। तो न्यूज़पेपर मैंने रख लिया है, बन के हो चुका है रेडी। इसको डब्बे को बंद करके फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा भी रहे और ख़राब भी ना हो, है कि नहीं। आ गया लगता है ब्लिंकिट से सामान। आ रही हो भैया, एक मिनट। अच्छा ऑर्डर, हाँ एक मिनट। सामान आ चुका है, मैंने मंगवाया है मशरूम, क्योंकि थोड़ा सा राइस फ्राई करूंगी तो उसमें भी डाल दूंगी, और सब्जी के लिए एक जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि अभी अब लहसुन वैसन मंगवाने का टाइम नहीं है। और मैंने मंगवाया एक सफल मटर, बर्तन साफ करने में तभी तो पैक करके सबको है कि नहीं। बर्तन तो कभी कम ही नहीं होते भाई, ऐसा लगता है इतना सारा साफ करके रखो फिर पानी कहाँ से आ जाते हैं। दुनिया में हर चीज खत्म हो सकता है लेकिन सिंक में पड़े हुए बर्तन नहीं खत्म हो सकते कभी भी। चलो फाइनली कपड़े डालो, मौसम तो बहुत बेकार है बट फिर भी फैन चला दूंगी तो सूख ही जाएंगे। वैसे देखो कुछ देर बारिश हो गई और गर्मी हो गई, अब गर्मी को झेलते रहो। सॉरी, अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन में गए नहीं। देखो सिक्के, मैंने पॉकेट सच में चेक नहीं किया था इस बार, ऐसे उठाई और जाके डाल दी। 25 रुपीज पतिदेव, आपके 25 रुपये मेरे पास आ गए। यार वॉशिंग मशीन में से जेम्स मिले, राहुल ने पॉकेट से निकाला नहीं होगा, वो गुनगुन के लिए लेके आए होंगे और मैंने धोने डाल दिया। खा के देखूं क्या कुछ हुए भी होंगे, बट बच्चे को तो नहीं दे सकती मैं। तो मैंने बना ली है यहाँ पे लेमन मैगी, खा के देखते हैं, आजकल बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पे, तो देखते हैं खा के कैसा लगता है। यार सच में एक बार तो ट्राई करना बनता है। मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूंगी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी, देख लेना सच में, या तो हर जगह अवेलेबल है, ट्राई करके देखो एक बार, बहुत ही यमी लग रहा है खाने में। तो इधर गुनगुन का दूध बॉईल हो रहा है, क्योंकि अभी बॉईल कर दूंगी तभी तो थोड़ी ठंडी होगी, तो ले जाने के लिए सही रहेगा ना, कुछ खाना भी खाएगी, लेकिन एक बार तो वो सोने टाइम दूध देती ही है। और इस साइड में थोड़ा सा चावल चढ़ा दी हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेजवान राइस बनाऊंगी मशरूम वशरूम डाल के, तो इसीलिए थोड़ा ठंड। अभी गुनगुन उठेगी तो जाके डस्टबिन भी फेंकना है, क्योंकि शाम को निकलने टाइम तो हम कचरा बाहर लेके नहीं जा सकते ना, घर का जो भी होता है डस्टबिन, तो इसीलिए शाम होने से पहले ही हमें लेके नीचे रखना है। आज की कटिंग हो गई है, यहाँ मशरूम और पनीर मैंने फ्राई कर लिया है, राइस यहाँ पे बन चुका है और मटर भी मैंने, सफल मटर मैंने बॉइल कर लिया है। थोड़ी सी फ्राई हो जाने पे फिर हम डालेंगे सेजवान सॉस। देख रहे हो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कितना ज्यादा हालत खराब है, और यहाँ मेरा काम चल रहा है फटाफट। मेरी सेजवान राइस बनके हो चुकी है रेडी। किससे जा रही है? राजधानी। राजधानी किससे जा रही हो? पापा से। पापा के साथ किससे जा रही हो? इधर आओ लाइट। अरे भाई हमें रोटी बनाना है, जल्दी लाइट दे दो, टाइम नहीं है। फाइनली लाइट आ गई, मैं तो सोच रही अब लाइट वाइट लगता है आने वाला है नहीं बारिश की वजह से, मैं तो फोन के टॉर्च की लाइट में रोटी बना रही थी। परेशान सारा खाना, इसमें रोटी है, फिर लाइट चली गई। ए भाई क्या करें हम, को सारा किचन को साफ ऑफ करके, ये रहा इतनी हालत थी और क्या है।
मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं काम वाम कर करके, जैसे कि सबके हो जाते हैं। फाइनली हो चुके हैं रेडी। ये रही बैग, देखो नई नई करके कितने सारे बैग हो गए। बैग दूसरे साइड, ये बैग बैग देख के लग रहा है एक हफ्ते हमें तो रहा है, जैसे कि महीने भर का बैग का पैकिंग है। क्या कहते हो आप? नहीं ले पाते, इतना बदतमीज हो जाते हैं, कभी कभी कैंसिल कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ गुनगुन, यहाँ इधर 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 पापा के पास बेटू, पहले सामान रखने दो पापा को, फिर रख वो करना। ये रेड वाली बैग जो मेरे पीछे है वो कर दो ना। चलो बेटू, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है क्या? नहीं अभी तो नहीं हो रही है। वाह वाह, स्टेशन पहुंचने वाले हैं। गुनगुन कहाँ है? चपक शकल दिखाओ बेटू। मी आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 12034 कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर डिसाइडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। टिंग टिंग, ये बोलने में मजा है ना बेटू? टॉफी वाला जो होता है, एक टिक टैक एक च्युइंगम होता है, एक होता है टॉफी वाली। पकड़ के रखो इसको। सीट नंबर अपना कौन सा? ये है क्या साइड नंबर? पहले तुम राइस खाओ। चलो बाय गुनगुन, गुड नाइट। आ जाओ टोपी है। गुड मॉर्निंग, मैं आ रही हूँ। 6:32 चाचू आ गए, चाचू आ गए। खुश रहिए। बेटू कौन चाचू है? मम्मा के पास आ जाओ, आ जाओ। स्टेशन से बाहर का कितना प्यारा लग रहा है, कितना उठते जागते हम पहुंच चुके हैं। हमारी व्हाइट वाली कार वहां लगी हुई है पुल के नीचे और हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये रही हमारी कार। हाय, बताओ दादू खड़े हैं वहां पे। दादू के साथ और कौन है? तो मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूं और नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूं। देख ही रहे होगे, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रमोनाज लाइफ। हम फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और दिखाते हैं हम यहाँ पे पूरा दिन क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे आप सभी को। मेरा शानदार साल।